तो गाइस इस तरह से देख सकते हैं यहाँ कार्य चल रहा है। अब इधर देख सकते हो गाइस क्रेन के माध्यम से बड़ा बड़ा टेंट खड़ा कर रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज आप लोग एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि गाइस गुढ़ियारी रायपुर में बहुत ही बड़ा शिव महापुराण कथा होने वाला है। तो गाइस वही आप लोग को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर बड़े बड़े टेंट बड़े बड़े पंडाले लगा रहे हैं। इस कितना टेंट पंडाल कार्य हो चुका है और कितना बाकी है तो वही आप लोग को दिखाने वाले हैं गाइस। और यहाँ पर महापुराण कथा चलेगा 9 नवम्बर से 13 नवम्बर तक चलेगा। और चलते हैं गाइस और आप लोग को यहाँ का टेंट कार्य दिखलाते हैं। और गाइस आप लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही आप लोग को वीडियो देखने का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को देख सकते हो गाइस इस तरह से यहाँ का टेंट कार्य चल रहा है। तो सामने आप लोग को दिखा देता हूँ गाइस एक बार, देख सकते हो श्री शिव महापुराण कथा 9 से 13 नवम्बर 2022 2 PM to 4 PM तक दही हंडी मैदान हनुमान मंदिर गुढ़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़। तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा होने वाला है शिव महापुराण कथा। तो गाइस इस तरह से आप लोग बोट के माध्यम से आप लोग को एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो चलते हैं गाइस अंदर की ओर और देख सकते हो सामने मेन द्वार का कार्य चल रहा है यहाँ पर और उधर सामने और 2 मेन द्वार बनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ और देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत के साथ भैया लोग यहाँ टेंट खड़ा कर रहे हैं और ये वाला भी टेंट लगभग कम्प्लीट होने वाला है। देख सकते हो इधर भैया लोग जो है टेंट पाइप वगैरह भी लगा रहे हैं ऊपर में। और तो चलते हैं ऐसे इधर भी देख सकते हो बड़ा बड़ा पंडाल। और तो गाइस इधर देख सकते हो इस साइड में आपातकालीन चिकित्सा है, पुलिस सहायता केंद्र है और नगर पालिका निगम रायपुर यहाँ से इस तरफ से इधर लगाया गया है। और इधर देखते हैं, इधर देख सकते हो बहुत ही बड़ा बड़ा टेंट लगे हैं और काफ़ी खूबसूरत के साथ यहाँ पर तैयारियाँ किया जा रहा है और काफ़ी बड़ा बड़ा टेंट लग रहे हैं। और देख सकते हो काफ़ी बड़ा जगह पर यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं और अभी भी काम जारी है। लगभग और गाइस लगभग जो काम है बहुत कुछ हो चुका है, देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा बड़ा टेंट लगे हैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत के साथ इस टेंट को लगाया गया, देख सकते हो ऊपर में। और उधर और एक टेंट लग रहा है, देख सकते हो क्रेन के माध्यम से इधर भी बड़ा टेंट खड़ा होने वाला है। इधर देख सकते हो जेसीबी द्वारा कार्य किया जा रहा है। इधर भी मैदान को बराबर करने काम चल रहा है। और इधर भी हो सकता है इधर से एंट्री करने का रास्ता होगा। तो गाइस देख सकते हो इस वाला रास्ता बनाया गया है, ये सीधी मेन मंच पर लेके जाएगा जहाँ से महापुराण कथा सुनवाएंगे। तो देख सकते हो काफ़ी सजावट के साथ तैयारी चल रहा है। सामने देख सकते हो बड़ा बड़ा सामने मंच बन रहा है और इधर क्रेन का काम चल रहा है, देख सकते हो। तो गाइस काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है यहाँ का शिव महापुराण कथा, लगता है काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ होने वाला है यहाँ पर भी। इतना बहुत ही बड़ा जगह पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा बड़ा टेंट खड़ा कर रहे हैं। एक बार चारों तरफ नज़ारा देख सकते हो आप लोग, इस तरह से यहाँ का कार्य जो है चल रहा है, देख सकते हो अभी भी इधर भी एक टेंट खड़ा हो रहा है क्रेन के माध्यम से। और थोड़ा आप लोग को पास लेकर चलते हैं और पास से दिखाते हैं मेन मंच काम कितना हुआ है। तो गाइस देख सकते हो सामने इस तरह से बड़ा बड़ा मंच खड़ा हो रहा है, देख सकते हो इधर चेयर वगैरह लगाया जा रहा है और इधर उधर पूरा गद्दा वगैरह भी है, सभी यहाँ पर
तैयारियां के रखा गया है। देख सकते इस तरह से यहाँ का शिव महाप्राण कथा का कार्य चल रहा है, काफी बड़ा जगह पर देख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस इस तरह से यहाँ टेंट का कार्य चल रहा है। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग भी आइएगा और श्री महापुराण कथा का आनंद लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।